गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जल्दी जल्दी प्यार से जल्दी जल्दी श्रद्धा से जल्दी जल्दी होश से हाँ जल्दी जल्दी वाहे गुरु वाहे गुरु आनंद से करें परेशान होके नहीं करें बोझ नहीं बनाए ये सुसुखम कर तुम अभ्ययम लाभ तो अनंत होगा लाभ होगा और करने में आसान है आसान है करने में लाभ अनंत गुना है आप होश से करें बहुत जपे श्वासा विरला कोय हाथ से और जबान से बहुत लोग जपते हैं यद्यपि बहुत इसलिए कहा है कि काफी लोग जपते हैं पर बहुत का तो एक अर्थ भी है करोड़ों लोग न जबान से करें न हाथ से करें, न श्वास से करें नास्तिक है रुचि ही नहीं पर कर मुखते बहुत जप है श्वासा और अंत में श्वासा अनुभव करे मौन में चला जाए अमन हो जाए और मन और अमन जाप और अजपा दोनों बराबर हो जाएं धीरे धीरे तो आप जपते रहें, वाहे गुरु वाहे गुरु ये जाप अभी करना पड़ेगा नाशी का जाप होता रहता ये मेरा ये मैं ये, मेरा, ये, मेरा। ये अजपा जाप की तरह संसार संसार चलता है है बिना बिना चलाए जाप होता है। संसार चाहे याद आता रहता है भगवान की याद करनी है मंत्र की याद करनी है पुरुषार्थ करना है ये करने से होगा और सब कुछ बिना किए हो रहा है याद करनी नहीं चिंता करनी नहीं हो रही है ये अभी करना है फिर इसके बाद करने की जरूरत नहीं रहेगी ये जाप भी अजपा बन जाएगा ये जाप भी स्वाभाविक हो जाएगा फिर श्वास की तरह जैसे सोने पर चलता है श्वास ऐसे ही जाप भी धोखे में भी अचानक भी चलता मिलेगा जब ध्यान दोगे लगेगा जाप चल रहा है तो अभी शुरू करे रहे वाह गुरु वाह गुरु Why? प्रेम से आनंद से अभी मशीन नहीं चेतना चाहिए होश चाहिए प्रेम चाहिए आनंद चाहिए हमारे गुरुओं ने कहा आ, बिना प्रेम ब्रिज है नहीं तुलसी नंद किशोर ये तुलसी ने कहा और गुरु महाराज ने क्या कहा हाँ प्रेम के बिना सब झूठा है प्रेम 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 से करिए और संतों ने भी बोल दिया राम राम सब मंत्र सब लोग लेते हैं पर प्रेम से नहीं लेते होश से नहीं लेते एकाग्रता से नहीं लेते प्रसन्न होके नहीं लेते प्रसन्नता मांगो मत प्रसन्नता से करो वाये गुरु वाये गुरु वाये गुरु, वाये गुरु. ध्यान दे कि प्रेम से कर रहे हो कि नहीं ध्यान दो होश से कर रहे हो कि नहीं ध्यान दो एकाग्रता से कर रहे हो कि नहीं बस यही यदि अंदर से करोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा बार बार करते रहो बार बार करते रहो बार बार करते रहो नाम तो दोहराना है श्वास के सहारे पे साथ साथ बार बार सावधान रहो होश से कर रहे हो प्रेम से कर रहे हो लगन है ये बहुत आवश्यक है साच कहो सुन ले सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने प्रभु पाया कबीर साहब ने कहा मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे कहा कबीर कबीर हरि तो मौजूद ही थे प्रेम नहीं मौजूद है होश नहीं है शरीर मौजूद रहता है पर जब नींद में होते हैं ये शरीर का हमें पता नहीं चलता नींद का मतलब होते हुए पता ना चले तो हरि तो विद्यमान है हरि तो तुम्हारे भीतर है तो ही काहे रे बन खोजन जाई, तो परमात्मा अकाल पुरुष निरंकार जिसका आकार नहीं तुम्हारे मन में ही है पर मन आकारों में भटकता रहता है इसलिए आकार से समेटकर मन को श्वास में लाएं श्वास एक क्रिया है प्राण शक्ति है और ये प्राण परमात्मा से ही पैदा होता है वो प्राणों का प्राण है वो मनों का मन है मन क्या है मन तू जोत स्वरूप है जोत माने चेतन मन चेतन से ही निकला है चेतन में समा जाए मन अमन हो जाए इसलिए अमन ज्योत अभी हम मन ज्योत हैं अमन ज्योत हो जाए सुमिरन करते करते मन चेतन में लीन हो जाए होश में आ जाए अंदर अंदर जागा रहे लेते रहो स्वास, छोड़ते रहो छोड़ते मंत्र सहित, वाहे, गुरु, इतना प्यार से कि जैसे तुम्हारे प्राण पुकार उठे जैसे कहते मैं प्राणों से प्यार करता हूं या प्राणों से ज्यादा प्यार करता हूं ऐसे ही आप प्राणों से भी ज्यादा प्रेम नाम से करें वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु इसके लिए आंखें नहीं चाहिए इसके लिए कान नहीं चाहिए इसके लिए हाथ नहीं चाहिए अंदर आप तो ही संघर्ष आई काहे रे वन खोजन जाए वो तुम्हारे भीतर ही अंतर्यामी है तुम्हारे मन का साक्षी है मन उससे उपजा है मन उसी में रहता है उसी में समा जाता है पर यह हमें ध्यान नहीं है अनुभव नहीं है पानी से लहर बनती है पानी में रहती है पानी में समा जाती है आज तुम ये अनुभव कर लो मन तुमसे उपजता है चेतन से उपजता है चेतन में ही रहता है और चेतन रह जाता है मन खो जाता है जैसा कि अभी कहा था जहां बोल तहा आखर आवा जहां बोलेंगे तहा शब्द आएगा जहां अबोल मन न रहा। एक सेकंड हो जैसे चेतन है मन है ही नहीं चेतन है मन नहीं शब्द है फिर मौन है फिर शब्द अर्थात वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु एक सेकंड न मन है न शब्द है मौन जहां अबोल तहा मन न रहा एक बार बोल कुछ देर बोल फिर कुछ क्षण अबोल फिर बोल बोल प्यार से बोल ध्यान से बोल सूरत से बोल सजग रह के बोल वाहे गुरु वाहे गुरु और फिर अबोल एक दो सेकंड ना बोल होश से बोल भी होश से प्यार से अबोल भी होश से और प्यार से अबोल मन मर गया अमन हो गया ज्योति बची पर अमन इसलिए अमन ज्योत हो गई अमन चेतन मन रहित चेतन कल्पना रहित चेतन सक संकल्प सहित चेतन संकल्प वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु अंदर 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 चेतन अभी अंदर 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 बाहर बाद की बात है पहले अंदर अंदर वाहे गुरु जब जपेंगे तो मन लीन होगा समिट जाएगा और समेट कर मन को फिर चेतन में डुबो दो सब जगह से मन समेटो श्वास में लाओ नाम में लाओ और नाम और श्वास दोनों कभी कभी श्वास भी रुक गई वाहे गुरु वाहे गुरु एक सेकंड को श्वास भी नहीं ले ली तो जाती नहीं गई तो आती नहीं रुक गई श्वास रुक गई जाप रुक गया मन भी खो गया जाप मन और श्वास साथ ही पैदा हो जाप मन और श्वास साथ ही उपजें साथ ही रहें और साथ ही खो जाए एक सेकंड को श्वास भी नहीं मन भी नहीं जाप भी नहीं फिर भी कोई अंदर है उसको कैसे बताएं? उसको कोई बिरला जानता है जहां बोल हा आखर आवा जहा अबोल आवा बोल अबोल मध्य है जोई जब बोला तब भी कोई था जब मौन हो गए अबोल तब भी कोई है उस है को कोई कोई लख पाते हैं या जैसा वो है वैसा कोई नहीं लख पाता जैसा वो है कैसा है वे अंत उसकी महिमा कैसे बताएं क्या है कौन है और सबका वर्णन होता है इस अकाल पुरुष का इस निरंकार का कैसे वर्णन करें जहां मन भी नहीं रहता कौन बताए कैसे बताए कैसे समझाए जहां मन भी नहीं शब्द भी नहीं जहां से वाणी लौट आती है जहां कुछ कहते ही नहीं बनता कुछ अजीब से अनुभव होते हैं जहां बताना बड़ा कठिन है एक मिनट इसी मौन में या शब्द में शब्द में श्वास में होश में करते रहें और दोनों तरह का खिलाड़ी जैसे सावधान रहता है कब मंत्र और श्वास आई कब मंत्र और श्वास थोड़ी देर को रोक दी या रुक गई रुकना भी अच्छा लगे जैसे जपना अच्छा लगता है एक सेकंड को न जपना जैसे चलते हैं फिर बैठ जाते हैं बैठे से लेट जाते हैं जिसमें अच्छा लगे ऐसे ही श्वास और नाम श्वास और मंत्र वाहे गुरु वाहे गुरु एक सेकंड को शब्द भी नहीं श्वास भी नहीं मन भी नहीं तब वाहे गुरु का मिलन हो गया निरंकार का मिलन हो गया पर वर्णन नहीं कर सकते कैसे बताएं, कैसे समझाएं जहां मन ही नहीं रहता उस अवस्था का वर्णन वो क्या है कई लोग कहते हैं हमें दिखा दो कैसे दिखाएं जहाँ मन हो इंद्रियां हो दिखाएं जहाँ मन न रहा श्वास भी रुकी वहाँ तो वो सत्य परमात्मा वाहे गुरु अकाल पुरुष रह गया ब्रह्म रह गया और उसका वर्णन कैसे करें कैसे दिखाएं? और सब कुछ दिखा सकते हैं ये बैठा तुम भीतर कहाँ हो दूसरे को दिखाना चाहो मैं दिखाना चाहूँ कि अंदर वहाँ ऐसा है तो कैसे जहां दूसरे की नज़र नहीं पहुंचती कैसे दिखाएं इसलिए इस सत्य का अनुभव करें अभी यही कहते हुए समाप्त करते हैं आप सबसे आशा है कि इसका अभ्यास आप एकांत में भी करके देखें जिससे आगे के लिए तैयारी आपकी हो जैसे प्रतिदिन बच्चा पढ़ाई करता है त्रैमासिक परीक्षाएं खंडमासिक परीक्षाएं नवमासिक परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं होती हैं ऐसे ये हम करें और जीवन में धन्य हों इसमें पास हो गए तो जिंदगी सफल हो गई इतना ही कहकर समाप्त करते हैं वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह